आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर का नाम है, इससे पहले कल हम ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन 10.1 पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई गिवन एंगल है, उसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, एंगल बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हमारे पास एंगल गिवन होगा। अगर कोई गिवन एंगल है, ये हमारे पास एंगल, दिस इज एंगल ए बी सी, इस एंगल ए बी सी ये गिवन एंगल है और हमने क्या करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कंपास। एक कंपास लो, इसका कोई भी सुटेबल रेडियस खोलो, थोड़ा सा रेडियस ज्यादा भी नहीं, उतना थोड़ा सा सुटेबल रेडियस लेके इस पॉइंट बी को सेंटर रखना हमने, पॉइंट बी सेंटर रख के और एक आर्क ड्रा करनी है जो इस एंगल की इन दो आर्म्स को काटेगी। इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं ए बी सी हो गया, इस पॉइंट का नाम डी और जहां पे इस आर्म को काटे इस पॉइंट का नाम हो गया ई। ये आया पहला स्टेप और साथ में आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाना है। देखो मैं इसका तो बताता हूँ साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बाकी क्वेश्चन के लिए आप नोट्स कंसल्ट करोगे, आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो साथ में लिखना आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो भी आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करोगे वो यहाँ पे लिखना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट बी सेंटर लिया और सुटेबल रेडियस लेके एक आर्क ड्रा की जो इन दो आर्म्स एंगल की आर्म्स को काट रही है दो पॉइंट्स में। फर्स्ट स्टेप में एंड टेकिंग बी एज सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रा एंड आर्क विच intersects B and BC and BC at points, किन points पे काट रही है, D and E respectively points पे काट रही है। फिर दूसरे step में मैं क्या करता हूँ, दूसरे step में हम इस compass का radius D के half से ज़्यादा खोलना है, D के half से, ये इसका हाफ और हाफ से ज्यादा खोलना है, ज्यादा कितना भी हो चलेगा बट हाफ से कम नहीं होना चाहिए। ये ऑलरेडी ज्यादा ही है, इतना ही रेडियस लेता हूँ मैं। तो मैं पहले पॉइंट डी सेंटर रख के दोनों पॉइंट्स ई सेंटर रख के एक आर्क ड्रा की और पॉइंट डी सेंटर रख के हमने दूसरी आर्क ड्रा की, दूसरी आर्क ड्रा की, ये दोनों पॉइंट्स लेकिन एक पॉइंट डी सेंटर का याद रखा कि और यहाँ से पॉइंट ई सेंटर के एक दूसरी याद रखा कि ये दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को काट रही है उस पॉइंट का नाम मैंने क्या रखा, पॉइंट एफ। और हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप को भी देखते हैं। टेकिंग डी एंड ई एज centers and radius more than half of D draw two arcs which intersect each other at point, इन पॉइंट्स पे काट रही है, पॉइंट एफ पे काट रही है। और तीसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, ड्रा रे बी एफ, बी और एफ को जॉइन करके ये रे ड्रा की, बी एफ रे, देन बी एफ जो होगा ये होगा आपका एंगल बाइसेक्टर, बी एफ इज द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर आपका गिवन एंगल, गिवन एंगल का ये रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। तो हम अब स्केल लेके
ये हमने ड्रा किया, एक रे, ये रे भी अच्छा होगी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये बराबर दो पार्ट इस एंगल को डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कंस्ट्रक्शन 10.2 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में जो भी आप स्टेप आगे कर रहे हो वो पीछे लिखना भी है। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्शन 11.2 में हमारे पास कोई भी एक गिवन लाइन सेगमेंट है, हमने क्या ड्रा करना है इसका, ये गिवन लाइन सेगमेंट है AB स्क्वायर, तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो इसके लिए परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और इसको बाइसेक्टर इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है इसके लिए देखो, हम सबसे पहले ये गिवन लाइन सेगमेंट है ये भी हमारे पास, हमने क्या करना है इसके हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा इसका कंपास का रेडियस करना है, हाफ से कम नहीं होना चाहिए, हाफ से ज्यादा कितना भी हो चलेगा बट हाफ से ज्यादा कंपास का रेडियस करना और आर्क ड्रा करनी है। पॉइंट ए सेंटर रखा, एक आर्क इस साइड ड्रा की, एक आर्क पॉइंट सेंटर रखे इस साइड, दोनों साइड हमने इस लाइन सेगमेंट के आर्क्स ड्रा किए। फिर इसी तरह रेडियस चेंज किए बगैर पॉइंट बी सेंटर रखा और इधर भी आर्क्स ड्रा किए, एक ऊपर वाली साइड एक नीचे वाली साइड। अब ये आप हमारे पास टोटल चार आर्क, चार मार्क्स एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को मैं देता हूँ डी और ई। तो सिंपली स्केल लेना है और स्केल लेके इन पॉइंट्स को जॉइन करना है। ये लाइन ड्रा करो, उस केस में जो ये लाइन डी होगी ये आपका रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगी। बस सिंपल इतना सा काम है, लाइन सेगमेंट के हाफ से ज्यादा कंपास का रेडियस खोला, एक आर के साइड, एक आर के साइड, फिर वही रेडियस चेंज के अंदर सेम रेडियस पॉइंट बी सेंटर रख के एक आर के साइड, एक आर के साइड, जो पहले वाले दो आर्क्स को काटेंगे दो पॉइंट्स पे, उन पॉइंट्स पे जो आप लाइन ड्रा करोगे वो लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो हमेशा गिवन लाइन पर, गिवन लाइन के लिए परपेंडिकुलर भी होगी और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी। कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप आप खुद देखो, आप नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं उनसे आप देख सकते हैं, बुक से भी कंस्ट्रक्शन आप खुद करोगे। नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्ट करना है कंस्ट्रक्शन 10.3 में एंगल आप 60 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की हेल्प से आप एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री का। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले रे लोगे, ये मैं लेता हूँ कोई रे, ए बी रखो इसका नाम, हमने 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपास लेंगे, इसका कोई भी सुटेबल रेडियस होगा कंपास का, छोटा सा सुटेबल रेडियस ना, ज्यादा छोटा होना चाहिए ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो पॉइंट ए सेंटर रख के मैंने ड्रा की एक आर्क, ठीक है, पॉइंट ए सेंटर रखा और सुटेबल रेडियस लेके मैंने एक आर्क ड्रा की जो हमारे पास इस रे को काट रही है किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम सी रख सकते हैं, तो पॉइंट सी पे काट रही है। उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट, इतना ही रेडियस, रेडियस को चेंज नहीं करना है, रेडियस जितना जिस रेडियस से हमने आर्क ड्रा की वही रेडियस सेम रहेगा। और अब पॉइंट सी सेंटर रखना है जहाँ पे ये आर्क इसको काट रही थी लाइन से, पॉइंट सी सेंटर के एक और आर्क ड्रा करनी जो कि पहले वाले आर्क को काटनी चाहिए, पहले वाले आर्क को काटेगी और जिस भी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों आर्क्स का, उसके थ्रू हम एक और रे ड्रा करेंगे। देखो ये रे ड्रा की, तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल फॉर्म होगा, ये होगा 60 डिग्री मेजर के एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री एंगल आया। इस तरह से हम 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद देख लो। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज देते हैं हम। एक्सरसाइज है इन्हीं के बेसिस पे कैसे है, तो एक्सरसाइज में भी तो आपको कहा गया कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है। 90 डिग्री एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना, तो उसके लिए आप देखो एक्सरसाइज इसकी 10.1। में हमने 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो 90 डिग्री एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, इसके लिए भी हमने हमारे पास एक रे लेनी है। इसके इनिशियल पॉइंट पे हम ड्रा करेंगे एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो सबसे पहले कंपास लिया, कंपास लेके जो इनिशियल पॉइंट है ये रे का नाम रखो ए बी, ए बी रे है। इनिशियल पॉइंट ए पे हम क्या करेंगे, कोई भी सुटेबल रेडियस खोलना है और एक आर्क ड्रा करेंगे। सुटेबल रेडियस लेके आर्क ड्रा की, फिर उसके बाद जहां पे आप जैसे 60 डिग्री जहां पे आप इसको काटेंगे रे को, वो सेंटर रख के सेम रेडियस, रेडियस चेंज नहीं करना है। एक आर्क और ड्रा कर जो पहले वाले आर्क को काटेंगे, जिस पॉइंट पे काटेंगे उस पॉइंट का नाम चलो हम बाद में डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद जहां पे इंटरसेक्शन हो रही दो आर्क्स की, वो पॉइंट सेंटर लेके रेडियस उतना ही रखना है जो इंचल में हमने रखा था। एक और आर्क ड्रा की, ठीक है, तो जहां पे इस पॉइंट का नाम चलो सी रखो, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ई, ठीक है। क्या किया हमने, पॉइंट एंड सेंटर की आर्क ड्रा की, फिर जहां पे इस आर्क इस रे को काट रहे हो सेंटर के सेम रेडियस से दूसरे आर्क ड्रा की, जो पहले वाले आर्क पॉइंट डी पे काटेंगे और फिर सेम रेडियस रेडियस चेंज किए हुए रेखो की इस आर्क ड्रा की, जो पहले वाले आर्क को काटे पॉइंट ई पे। और अब हमने देखना यहाँ पे इस कंपास का रेडियस बी के हाफ से ज्यादा आना चाहिए, बी का हाफ है, बी तो आया यहाँ से यहाँ तक के लाइन, इसके आगे से ज्यादा आना चाहिए, तो ऑलरेडी हाफ से ज्यादा है या इसको और ज्यादा बोल सकते हो। तो पॉइंट डी सेंटर रखना मैंने और एक आर्क ड्रा की, फिर सेम रेडियस पॉइंट डी सेंटर रख के एक और दूसरी आर्क ड्रा की, जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को काटेंगी पॉइंट का नाम मैं एफ रखता हूँ, इस पॉइंट एफ, और इसके थ्रू एक रे ड्रा कर दो। तो ये रे जो है ये बनाएगी एंगल कितना 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री मेजर का होगा। इस तरह आप 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। 45 अगर ड्रा करो तो आप 90 डिग्री ड्रा करो, उसका एंगल बाइसेक्टर आपको सिखाया गया, एंगल बाइसेक्टर से 45 बनेगा। नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए आप 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर निकालो, 60 डिग्री एंगल बना के उसको एंगल बाइसेक्टर कर दो। 22 एंड हाफ के लिए आप 45 एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो, उसके लिए आपको पहले 90 बनाना है। इसका एंगल बाइसेक्टर देखो ड्रा किया, यही से एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करोगे, 45 ड्रा करना है, पहले पॉइंट सी सेंटर रखो इधर एक आर्क ड्रा की, फिर जहां पे 90 डिग्री वाली रे है और इस आर्क पे ये सेंटर रख के एक दूसरी आर्क ड्रा की, तो जहां पे दोनों आर्क से एक दूसरे को काट रही हैं, इनके थ्रू मैं अगर रे ड्रा करूं तो ये एंगल कितना बनेगा, उस केस में ये एंगल बाइसेक्टर होगा और एंगल बनेगा 90 का, ये 45 डिग्री एंगल। और आपने 22 एंड हाफ ड्रा करना है, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 45 एंगल बाइसेक्टर बनाओ,
पॉइंट सी सेंटर रख के एक आर्क ये ड्रा करो, फिर यहाँ पे जहाँ पे एंगल वाली रे ये सेंटर रख के दूसरी आर्क, दोनों आर्क यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, ये हम एंगल वाइज ड्रा कर रहे हैं 45 का। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट इसके थ्रू ये दिस इज 22.5, ये एंगल 22.5 डिग्री बन गया। ये यहाँ से यहाँ पर कितना 45 डिग्री है और यहाँ से आप कितना है 90 डिग्री। इस तरह से आप ड्रा कर सकते हो कोई भी एंगल। 15 डिग्री के लिए आप क्या करोगे 30.5 ड्रा करना। और नेक्स्ट में आपको सिखाता हूँ 75 डिग्री एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 75 डिग्री एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए आपको पहले 90 डिग्री एंगल बनाना है। पहले 90 डिग्री बनाओगे, 90 और 60 का हम देखेंगे। ये हमने रे ली, यहाँ पे हम बना रहे 75 डिग्री एंगल ए बी, इस रे का नाम कंपास लिया। हम सबसे पहले 90 बनाएंगे और 60 बनाएंगे। ये लिया हमने कंपास और सुटेबल रेडियस खोला, पॉइंट ए सेंटर रख के एक आर्क ड्रा की, फिर जहाँ पे आर्क से को काटे पॉइंट सेंटर रख के, ये एंगल हम ड्रा करके कितना मेजर होता है 60 डिग्री, और ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री। ये पॉइंट सेंटर रख के सेम रेडियस का ये आर्क ड्रा करें दो, इनके थ्रू ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। मैं 60 भी बनाता हूँ, 60 वैसे ड्रा करने की जरूरत नहीं है। आप ये 90 के लिए थोड़ा डॉटेड लाइन ड्रा करो, हमारा टारगेट है 75 डिग्री। 90 वाला एंगल इस पॉइंट पे साथ को काटेगा, इस आर्क के थ्रू हम ड्रा करें तो कितना बनता है 60 डिग्री एंगल बनता है। तो मैं इन दोनों की बाइसेक्टर ड्रा करूंगा इनके सेंटर से, इन दोनों पॉइंट्स का। आप सीधा कंपास रेडियस खोल के देखो, पॉइंट ये पॉइंट सेंटर रख के एक आर्क ड्रा की, ये पॉइंट सेंटर रख के हमने दूसरी आर्क ड्रा की, एक आर्क दूसरी आर्क, और इन पॉइंट्स से हमने इन पॉइंट्स से जो ये रे ड्रा करेंगे दिस एंगल विल बी मेजर 75 डिग्री। इसी तरह 75 के बाद आप 105 ड्रा कर सकते हो। 105 ड्रा करना है तो देखो, यहाँ पे 120 बनता है, यहाँ पे 90 बनता है, तो इसका बीच में से बाइसेक्टर ड्रा करो। एक तो 90 वाली रे का ये पॉइंट सेंटर के यार बना दो, फिर ये आर्क 120 वाली, ये आर्क्स के थ्रू ये दो आर्क्स लगाई, और जहाँ पे काट रही है इस पॉइंट इनिशियल पॉइंट से, इनके थ्रू ये वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री मेजर एंगल बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप ये एंगल्स ड्रा, सॉरी ये 120 नहीं 130 डिग्री, 120 तो यहाँ इसके थ्रू बनेगा, इसके थ्रू आएगा ये वाला एंगल ए बी। मैं इस पॉइंट का नाम वाई रख रहा हूँ, एंगल ए बी वाई जो होगा वो 105 डिग्री होगा, और ए बी ए बी वाई नहीं बी ए वाई, बी ए वाई 105 होगा, और एंगल बी ए एक्स जो है वो कितना 75 डिग्री मेजर एंगल होगा। तो इस तरह से आप कोई भी एंगल ड्रा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट करनी आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल खुद ही, गिवन द साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन।
तो ये आप खुद सही है कंस्ट्रक्ट करोगे। इक्विलेटर ट्रायंगल के तीन एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री मेजर के होते हैं। तो आपने क्या करना है, लाइन ड्रा करना है, यहाँ इंटर पॉइंट से 60 डिग्री एंगल ड्रा करना है, यहाँ से 60 डिग्री एंगल ड्रा करोगे, यहाँ पे दो काटेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल जो फॉर्म होगी एंगल भी इंटरसेक्ट 60 डिग्री बनेंगे, दिस ट्रायंगल शुड बी एन इक्विलेटर ट्रायंगल। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट था, ये आप करोगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।